हे देवी मैया, आपके आशीर्वाद से 3 बीघा जमीन का जौन मुकदमा चलत रहे वो हम जीत गए नी। और जैसन मनौती मगले रहनी 5100 रुपया हम आपके अर्पित कर रहल बानी। नहीं पंडित जी, माई एगो बाप के मन की स्थिति समझे के कोशिश करा। माई एगो बाप के बेटी के ब्याह खातिर लोग देखे आवेलन और मना करके चल जालेन। माई नहीं देवी मैया के चढ़ाते तो सोची बाप के दिल पे का गुजरत हुई। माई खुश रहो, खुश चारों तरफ से थक हार के तोहरे दरबार में आयल बानी। सुन ले है तोहरे दरबार में जे आवेला ओकर इच्छा पूरी होला। माई हमारी बेटी के ब्याह करा द। माई जौना दिन हमारा बेटी के ब्याह हो जाए वही दिन तोरा दरबार की सीढ़ी चढ़ब। माई हमरो मनोती जल्दी पूरा करा द। माई तो आर जाए हो। अब एक धक बच्चा दिखाई नहीं देत का? अपन मनौती पूरा करे के चक्कर में दूसरा के खाल कर दे बा। अरे दिखाई नहीं देत ना तो चश्मा पहन ला। हमरा के माफ कर दी भाई। अरे माफ तो करबे करब ना तो कहतो तो झगड़ा करब। तू मैंने जाने कहा हे माई जौना दिन हमार मनौती पूरी हो जाए वही दिन तोहरा के 1001 रुपया दरबार में अर्पित करब। अरे हमारे हिस्सा के चक्कर आप अपने हिस्सा में ले लेनी है। कौनो बात नहीं है भैया, थोड़ा चोट लग गई बा, लेकिन मंदिर में हमारा सरुआ की चोट लग गई रहे वही चोट की भरपाई माता रानी करा दे ली। अरे आप चोट की भरपाई न करनी, हमरा ऊपर एहसान के बोझ लाते नहीं। अभी एहसान का बदला हम कैसे चुकाएं? चलो चलो पहले आपके हॉस्पिटल। अरे नहीं नहीं रह दे रह दे। चलो भैया कहां परेशान हो कब। आराम से भैया आराम से। हां चलो घरे तक का भैया। अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आई बैठी आई बैठी बैठी बैठ बा। तू चोट तोके लगल बा कि हमके? अरे भैया आई बैठी ना। अरे बैठा पहले बैठा बैठा शांति से। सुनी अरे आपो बैठी ना। अरे बैठ जा। हम बैठा तो नहीं हर कुर्सी पड़ल बा। बैठा चंपा। ए बेटी चंपा, अरे देखा के आइल बा? आईनी बाबूजी। भगवान बाबूजी का बोलता रखे। अरे पूछो ना रे। तो 200 पैर कहले बानी कि हमार किस्मत में शादी ब्याह नहीं के। हाँ और ये सब झूठ बात है कि लड़की से पहले अगर पति पैदा हो जाले। देखो ये दुनिया ना रूप रंग देखे ले जवन हमारा लगे नहीं के। देखो हम तोरा से कहते दानी आज के बाद देवी देवता के यहाँ तोरा अकेला के कोनो जरूरत नहीं के। बुझाइल ना। हाँ हाँ बुझाइल। अरे हमारा के कुछ ना भइल बा, थोड़ा मोच आ गई तनिक बाटे का। अच्छा सुन इनसे मिल, ये दुर्गा चाचा हूँ मैं। हाँ प्रणाम कर। हमें चंपा कुमारी। खुश रह बेटा। और सुन ये हमारा हॉस्पिटल ले गेलन और पट्टी उट्टी बदोलन, इनकर सराफत देखा के हमारा के यहाँ घरे तक पहुँचौलन। बहुत धन्यवाद आपके। अरे कौनो बात ना बेटा कौनो बात ना। अच्छा भाई साहब हाँ। रात बहुत ज्यादा हो गई बा, अब इतना रात करे हुआ कहाँ जाए। हम चाहता नहीं कि आज की रात ये गरीब के घर में गुजारी, कल सवेरे चल जाए। एक शर्त बा। हाँ बोली ना। देखा हमनी के दोस्त हो गए नीचा, आज के बाद तू हमरा के भाई साहब न कह, खाली दुर्गा कहके बुलेबा। अच्छा ठीक बा ठीक बा। ए बेटी चंपा अब चाचा के खाए पिए बंदोबस्त करा ना। ठीक बाटे। जा 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 भाई साहब। और घर परिवार में के बा? मोहनवा तकिया फाड़े लगल बा, ओकरा खातिर लड़की ठीक रहे, घरेलू भी लग दिया। बाबूजी कुछ चाहिए का? ना बिटिया ना कुछ हो न चाहिए, बहुत स्वादिष्ट खाना बने ले बाड़ू। श्यामलाल जी। जी भैया। तोहार बिटिया खाना तो बहुत बढ़िया बनावे ले हो। एक बात बताई, वाकई हमार बिटिया बहुत स्वादिष्ट खाना बनावे ले और घर के सारा कामकाज भी बहुत अच्छी तरह से करे ले। लेकिन का बताई भैया, जे लोग करा के देखे आवे ले वो सब नकार के चल जाए। ये खातिर हम आज इच्छा पूर्ति मंदिर गए ले कि शायद उनके आशीर्वाद से कोनो चमत्कार हो जाए। अरे चमत्कार हो जाए ना, चमत्कार हो गई।
हम अपना दोस्ती के रिश्तेदारी में बदले के चाहते। अगर आपके कोनो इतराज न होके तब। ए भैया, भला हमरा के का इतराज हो सकेला? हमरा के कोनो इतराज नहीं खे। लेकिन इतना जल्दी उनका आशीर्वाद मिल जाए ये हमरा के पता ना रहे। एक बात कही बताई भाई साहब, जमाना बदल गया बा। हम चाहता नहीं कि एक बार अपना बेटा के चंपा के दिखा दी। अरे वो गधा का बच्चा का देखियो, देखा तोहरा बिटिया में हमके अपने घर का लक्ष्मी दिखाई देती है। हाँ, आपके कुछ देखे के बाद तो हमारे घरे आके देख ले, भगवान के दया से हमारे घरे में सब कुछ बा। 20 बीघा जमीन बा, एक बार देख ली तब हाँ करी। ना, हमारा के कुछ ना देखे बा, हम तो रउआ के देखे पानी। ए भैया, आज से हमनी समधी है। वाह, हे मोहन कमाई। काजी आ गई नी, रात भर लागेला देवी माँ की चढ़ावा चढ़ावे में। अरे देवी मैया के चढ़ावा चढ़ावे में रात भर ना लागेला, एगो बहुत बढ़िया और बड़ आशीर्वाद मिल गई बा देवी मैया। अब देवी मैया चाहिए ना तो तोहरा के घर के कामकाज से मुक्ति मिल जाए। वो कैसे? एगो बहुत बढ़िया सुंदर और संस्कारी लड़की, खाना पीना बनावे से लेकर झाड़ू बहारू करे वाली लड़की देवी मैया के आशीर्वाद से मिल गई। और हम अपने बोहनवा का बियाह ओकरा से तय कर देले बने। इतना बहुत अच्छा काम कही नी, चली इस सब से हमरो फुर्सत मिल जाए। माई, हम अभी शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ल चाहत। अरे तो खाली तकिया फाड़े के चक्कर में पड़ल लबे आए, तोरा के ब्याह करे के पड़ी, हम उन लोगों से वादा करके आल बानी। लेकिन बाबूजी, हम लड़की के देखले बिना ब्याह ना करब। आए ता लड़की के देखबे? अरे हमारे बाबा का ब्याह भइल तो आज ही के ना देखलन, हमारे बाबूजी का ब्याह भइल तो माई के ना देखलन। हम जब ब्याह कैनी तो तोरे माई के ना देखनी, तई लड़की देखबे। आए चुप चाप ब्याह कैले, समझ ले। माई, हम ये बिया कोनो कीमत पे ना कर सकेले। अरे हम कोनो दूध पियत बच्चा नहीं की, जेकरा से हमार बिया होकेल बा हमके उ लड़की के देखे के पूरा अधिकार बा। हमरा से बहस मत करा, जा अपने बाप से बात करा। हमके उनकरा से कोनो बहस नहीं के करे के, हम ही घर छोड़ के चल जाते नहीं। खाली हमरा से लड़े के बा बाप के सामने तब बकार ना निकलेला। अब हमके ही घर में एक मिनट नहीं के रुकेगे, ब्याह कर ले ब्याह कर ले, जैसे ब्याह हमारा इनकर होता। तोके करे के बात तू करो, बाकी लड़की देख ले बिना हम ब्याह ना कर सकेले। अरे पता ना कैसे लेके हुई, कहीं सपना में आवे वाला हिडिंबा जैसन रह जा। राधा राधा, अब हमनी के घर में नहीं के रहेगे, तू चलो हमरा साथ, अब हम ये घर छोड़ के चाहता नहीं। बहुत सटिया गिल पड़े भाई, क्या चाहिए का बेटा? हम ही घर छोड़ के जाता नहीं। अरे कहाँ है बेटवा? लड़की देख ले बिना हमके बिया नहीं के करे के, हमके जिंदगी भर उनके साथ रहे के बाद तोरा के ना अपन फैसला हमरा ऊपर मत थोपा। हे, एक तो कदम आगे बढ़ेला ना तो मार के हाथ गोड़ दुन्नो तोड़ दे। हमरो नाम दुर्गा प्रसाद बा, कटहा का बच्चा। तोर बिया होई और वही जे होई जहां हम चाहे। आज भगी
जजमा नीली सिंदूर दान करी। फूल सजावल गईल बा। फूल एजी एजी ली दूध पी ली। वो अम्मा जी ना हमके आधा घंटा तक बैठा के समझैली है कि आज काका करे के बा। पहले दूध पी ली अम्मा जी थोड़ा के आधा घंटा में साड़ी कैसे पहनल जाला ना बतौली है। अरे ना वो का है ना कि हम साड़ी पहला बेर पहनले बानी और ये दूध पकड़ला में साड़ी तनी सरक गईल है। तो इतना बड़ घूंघट काहे खातिर डलले बाड़ू। हम ना बताए ना बतावा ना हमके लाज लागता। ना 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 बतावा। उ अम्मा जी बताईली है कि घूंघट तो आपे उठाइब ना लेकिन पहले दूध पी ली। ई गरम गरम सांस लेल बंद करा और खुद दूध पी जा। ठीक बा अम्मा जी बतैली है कि पति के आज्ञा भगवान की आज्ञा जैसन होला हम दूध पी जाता नहीं। हम्म
अच्छा रहे। अरे मोरे माई। ए जी, सर दुखाता दबा दी, गला दुखाता दबाई बो। ना बाबा ना, अम्मा जी कहले बाड़ी, अम्मा जी, पति के सेवा कईल पत्नी के सबसे बड़ धर्म है। चुप, जो नीचे जाके सुचो, जो नीचे नहीं हमार कपार पे, जो नीचे। धन्य हो भाई सासुर। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। संस्कारी बहु पिया ना, भगवान ऐसन बहु सबके दे। वाह बाबूजी, दो लगता नी माई। अरे बाप रे बाप, ये केंकर भैंसी या भोरे भोरे का बतिया रे माई। चुप चुप रहो, तोर मेहरारू आप भजन कर दिया। देख कल से भोरे भोरे उठ के एक रसाते पूजा करे के बाद समझ ले, नाही उठ लेना तो मार के हाथ गोड़ तोड़ दे। जा बहु जा। हम भी तेरे जाता नहीं। इतना संस्कारी दिया था है। अरे बताओ रे मोहन खेला, बताओ ना मोहन भैया, बताओ ना भाई, बताओ सब समाचार ना बताइबा भाई, बताइ दे भैया, बता दे। अरे मोहन के माई, दुल्हनिया के तिलिया वो। अरे ले आई नी अपन दुल्हनी के, देखी सब बैठा। देख लेनी सभी लोग दुल्हन के। चला जा चला जा, बहुत ही मनोरम। अरे छोड़ 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 बस हो गया, छोड़ बस बस हो गई गई लोग। अरे पता ना राम राम, कहीं कहीं जोड़ी होके लड़की ले, हीरा जैसन लड़का के कोयला जैसन लड़की मिल गई। बेटा बहुत अच्छा दुल्हन पोले बड़ा। ओहो हो राम राम, ऐसनो कहीं जोड़ी होखेला, हीरा जैसन लड़का के कोयला जैसन लड़की मिल गई। अरे पता ना दुर्गा भैया के का बुझाई कि ऐसन लड़की ले आई। ए भैया सामान सब अंदर लाओ। अरे प्रणाम 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 भैया। और बताई आवे में कोनो तकलीफ तो ना ना भाई? ना ना भैया एकदम आराम से।
बैठो हाँ ठीक हाँ। और बतावा बेटी का हालचाल लेवे आयल बाड़ा। अरे भाई तुहार बेटी एकदम सही से बा, अब तुहार बेटी बाद में पहले हमार पतो बिया। अरे भैया रहुआ कैसन बात करता नहीं, हम बेटी हालचाल लेवे नहीं खे आयल बानी, हम तो चौथार लेके आयल बानी। रहल बेटी के बाद, बेटी के तो किस्मत ही चमक गई, ओकरा के सास ससुर के रूप में महतारी बाप मिल गए, और पति के रूप में, पति के रूप में मोहन जैसन देवता मिल गए। कहा उ गधा के बच्चा के देवता बनावत पड़ा, ते का मिल आ गइलन सबेरे से डोलत रहलन। अरे खड़ा का बाड़े रे हैं पैर छू ससुर जी के। हां हां खुश रह गधा के बच्चा, जा जा के नाश्ता पानी का इंतजाम कर। अरे जो दुर्गा भैया कहा हमरा के पाप के भागीदार बना होता नहीं, हमने की यहाँ लड़की के घर के पानी भी ना पी जाला। क्या बात करत आड़ा श्याम लाल जी। अच्छा तोरे लगे 500 रुपया बा? हाँ हाँ बा ना। कदा हम आराम से खा पिए, कौनो पाप ना लगे। कमाल के आदमी बाड़ा, कमाल के आदमी बाड़ा दुर्गा भैया तू। अरे कमाल का आदमी ना, असली कमाल तो आज रात में हुई है। ई हो रात के कमाल। कितना दे? अरे रे ई का करता नहीं संधि जी, रउआ हमार धर्म भ्रष्ट करे पे काहे लागल बानी, हम आज तक कबो हाथ ना लगौली। ठीक है भाई, जहाँ तक धर्म भ्रष्ट होए का सवाल है तो हम तोरे ताते जबरदस्ती न कर। लेकिन एक बात बतावा भैया, अरे पिए ल ना तो जिए ल कहते हो? इतना रात के कहाँ जाता रे? बाबूजी वो टहले जाता नहीं। टहले? हाँ। दिन भर टहल के मन नहीं भरा लगा कि रातों के टहले जी। अब दुलाहिन जो घरे में हो ओके के देखी रे? हाँ। क्या अंदर? बाबूजी दो मिनट खातिर जाए दो ना। देख बेटा हाँ। अब जल्दी से जल्दी हमरा के दादा और इकरा के नाना बनाए का इंतजाम कर। बाबूजी गधा के बच्चा समधी जी हाँ। देवी माई के मंदिर में जौन मनौती मानल गेल रहे हाँ। तो सब पूरा हो गई हाँ। अब हम सोचता नहीं, हम पूरा परिवार के साथ चल के माता रानी के दर्शन कर जाओ और अपन मनौती चढ़ा दिहल जाए। वाह 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 क्या बात कहला, काली सवेरे सब परिवार हमनी के देवी मैया के दर्शन के लिए चल जाई। हे माई तोहरी कृपा से हमारी चंपा के बहुत नीमन घर बर मिलल बा, इसब तोरे आशीर्वाद से भइल बा माई। अगर हम जिंदगी भर दिया लेके खुश थी तैसन घर ना मिलित माई, मानन मनौती के मुताबिक अपनी समर्थ के हिसाब से हम 1001 रुपया तोहरी चरणन में अर्पित करत आनी। पंडित जी एली माई के चरण में चढ़ा दी। माई इकरी बाप का मुराद पूरा करके तो हमार बैंड का है वजोलू माई। तनी देखा यहाँ जितना लोग खड़ा बा सब लंगूरन के हाथ में तू हूर दे दिलू, और हम हूर रेला के बावजूद लंगूर। काजी देवी मांगे का है कोसुत बानी, जोड़ी तो स्वर्ग में बनावल जाला ना। जोड़ी अगर स्वर्ग में बने ला ना तो ऐसा स्वर्ग के पेट्रोल छिड़क के आग लगा देवे के चाहिए ताकि दोबारा ऐसा जोड़ी ना बने। और हाँ सुना, हमनी के जोड़ी स्वर्ग में ना हमार बाबूजी बाबूजी बनोले बाड़े। बाबूजी देखे था का बच्चा का बहु के सतावत आ रहे। बाबूजी हम इनके बतावत रहने की ये मंदिर। अरे पहले अपने समझ ले तब बहु के समझाए, चल चुपचाप पूजा कर भाई, हर मनौती पूरा करे ले चल। हमके ब्याह से पहले ही ई मंदिर में आवे के चाहत रहे तो आज ही हंस अकौवा के जोड़ी ना बनल रही थी। आ, ए जी सुनी ना, आप अपने आप के कौवा का है कहत बानी? ए माई एगो बात पूछी का? हाँ पूछा।
हम बहुत टेंशन में बानी। हमके लगता यहाँ के हमके पसंद ना करेनी। अरे चंपा, ऐसा कौनो बात नहीं खे। अभी नया नया ना बियाह भइल बा। देखिया, एक दिन सबसे ज्यादा तहरा के ऊ प्यार करी, बस तू ओकरा के खुश रखे के कोशिश करिया। का राधा, तोहरा के तापन दिन के हर बात बतौनी कि हमरा के मेरा रुके रूप में तोहरा नियन मास फिगर वाली लेके चाहिए, लेकिन हमरी मेरा रुकी फिगर हतनी से तनी मनी कम। हमरा के मेरा रुचात रहे जो चोट चोट कपड़ा पहने। समझ गई नी, हमार पति के छोट छोट कपड़ा नीमन लागी ला। अब तो उनका खातिर पहने के ही पड़ी। छोट छोट कपड़ा पहने ले बारे रे बहू के आइंदा इतर हरकत कहले ना तो मार के हाथ गोड़ तोड़ दे। दुल्हन जा बेटा जा, जाके ढंग का कपड़ा पहन ले। पता नहीं कौन कौन फिल्म देखत रहल आजकल। अरे ससुर तोहर तो चला ससुर। Hey!
चलवा जी माले ई सब का बा है और ई के है दुर्गा भैया हमार बेटा है छगन मुंबई से 6 साल के बाद कमा के आयल बा अच्छा अच्छा राहुल आशीर्वाद लेवल चाहता कोनो बात ना बुला ला दे दे आशीर्वाद छगन हाय हाय ओए काका चिन्ह रही क्या अपुन कौन छगन अपुन चाचा आज के जट में अपुन की जो हैसियत है ना अपुन तेरे दरवाजे पर नहीं आता ना तो भी काम चलता लेकिन क्या है ना अपुन का जो जमीर है ना अभी मरे लानी है काका अपुन को अब भी याद है अपुन जब 20 साल का था ना तो इस गांव की गलियों में भटेला झंगिया पहन के घूमता था मैं काका लेकिन तुम इच्छे का आदमी है जो अपुन के उस पटेले जंगे के दर्द को समझा अपुन को तुमने 300 रुपए दिए काहे के वास्ते मुंबई जाने के वास्ते ट्रेन से अगर अपुन जो ना तुम्हें जल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ये अरे दुर्गा चाचा को होट लगा दादी देखला ना 6 साल बंबई में रहला के बाद 6 सेकंड में गांव में वापस आ गए पुत्र बेटा पुत्र बच्चा जियत रहा मस्त रहा जा चाची का आशीर्वाद भी ले ला जा चाची गोड़ लगा दादी हो और मोहन भाई क्या चल रहा है इसमें भाई बिल्कुल चकास शाम को मिलते हैं फिर पिता दूध पीते हैं अपुन दिखाएगा ना अपुन की इज्जत क्या मुंबई में एकदम जबरदस्त मिलते हैं ठीक है ठीक बात तो उसे जरवा ना ही तू अपुन तेरे को बताता बेटू मुंबई में ना बिल्कुल एक ही चीज है जो देखने में बिल्कुल रामचिक है मस्त कुछ क्या का मुंबई की छोकरी बिल्कुल देसी घी जमा पिक एकदम चिकन ऊपर से मुंबई की लड़कियों का जो ड्रेस निपड़ो बिल्कुल अंदर का पार्ट पुर्जा बाहर से दिखता समझा क्या पूरा मूड की वाट लग जाती है बिड़ू मुंबई जाए क्या अरे मुंबई कमाए उजाला जकरा खातिर ओकरा घरे में कुछ ना होला अब तोरे पास तो यहाँ पर 20 बीघा जमीन बा अरे जब तोरा से यहाँ कुछ ना उखड़ल तो वहाँ का उखड़बा कौन जरूरत नहीं के बंबई संबई जाए का बाबूजी तोहर सब बात मान लेनी बाबूजी लेकिन हमरो भी तो मन करेला ना हम अपना दम पे कुछ करे ए बाबूजी जाए देना मुंबई अगर वहां कुछ ना उखड़ल ना तो हम यहाँ आके उखाड़े अरे बाबूजी जब वो छगनवा इतना सब कर सकेला तो हम कुछ ना कुछ कर ही ले तो छगनवा के देख के तोहार आंख खुलल बा ठीक बा तोरा के 2 साल का वक्त देते जा तू मुंबई और अगर वहां तब तू कुछ न कर पैला तो चुपचाप उल्टे पांव लौट के यहां आ जाएगा और तब जवन हम कहब वो करे के पड़े ठीक ठीक बाबा जी यारा जी बाबू जी एक बात और का अगर तोहार नौकरी बंबई में लग जाई हाँ? तो चुपचाप आके अपने मेहरारू के जल्दी से जल्दी ले जी अरे बाप रे जौना मुसीबत की वजह से हम भागत बानी ओकरा के फिर हमरी का परे पे लादत बाड़न खैर अभी कुछ कहब तो जाए ही ना दिए जी बाबूजी क्या सोचे लगले कुछ ना बाबूजी ये मैं सोचे के कौन बात बा हमरा के बंबई में जैसे नौकरी मिलल हम ले जाए चंपा के अपने साथे बहुत अच्छा बहुत अच्छा ए जी कहीं मुंबई जाके हमके भुला तो ना जाए चंपा का बात करो तरो तू तू को ना भुलाए वाला चीज हो वैसे भी हम तो के कहा याद करें ना और देखिए जी वही जाके ना जल्दी से हमके अपने लगे बुला ले ना तो पूरा कमरा के एक एक कोना हमरा के काटे के दाढ़ी चंपा
ए हमार चंपा। अरे काहे रो तारो, तू टेंशन ना ले, हम जाते ही तोरा के जल्दी बुला ले, ठीक है? सचो? एकदम तो हार किरिया। अरे घर में घुसल रह बे कि बाहर रह बे। आवता नहीं बाबूजी। चला बाबू जल्दी चला। चला चला। ए जी, हमके रावण बहुत याद आई। बस बाबू लेट होता। अरे कहा है ना बाबू, हमके वहां जाके अपन पैर पे खड़ा होके के बा, तुम माई बाबू की ध्यान रखिया, ठीक है? चला ओके चाचा, टेंशन लेने का नहीं, आप उसको सेटल कर देगा, समझा क्या? धन्यवाद, चल जाई तब आवतानी बाबूजी, वो चंपा हमरा के जाए। चंपा के साथ रह ले, जो एक बार फिर मिल किया। ना बाबूजी, लेट होता। हाँ, देरी होता। एक काम कर, इले 5,000 रुपया। जब ले कोनो काम धाम ना मिली मुंबई में ना, तब ले ऐसे काम चलाइए। जैसे फोन कर दिए। जी बोल के लिए ना, गुड लगते हैं। ध्यान रखिए बेटा। ओके चाचा, आप उन लोग मुंबई जा रहे ला, नमस्कार। हाय, अरे गुड लगते हैं चाची बड़ा। ए छगनवा, तमाल के लिए जाइए रे, पहली बार मुंबई जाता। चाचा डोंट टेंशन नॉट फिकर, हम बाटी ना। एक कथा का बच्चा, तमाल के जाइए रे। हाँ हाँ बाबूजी। मुंबई मोहन भाई, अपन दिखाता है सब। यह रहा, इसको बेटी बोलता है, बेटी। अपन है ना। ओ क्या मोहन भाई, और तू इधर एक मिनट रुक। अपन भाई ये रुक ना, अपन है ना, अपन तेरे को ठीक है। सॉरी यार, आप उनको माफ करना यार। वो कह रहा मुंबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने को होती है, और अपन छोटी से खोली में रहेला, इधर उधर एक ही खोली में 10-10, 12-12 लोग भरेला, बड़ा प्रॉब्लम है यार। हाँ। गांव में अपन जो बोलता था ना, बिल्कुल फेकम फाक है यार, बिल्कुल फेकम फाक। अपनी वोकल बाजी मारता था यार मैं। तो कोई अपनी व्यवस्था कर ले यार, आप उनके पास इधर जगह नहीं है। सॉरी यार। हाँ सुनो बाबू, बैठो नहीं हो रहा बातों से यार, गाँव में सब बताओ ना क्योंकि यार, हम यहाँ होटल में बेटर के काम करे यार, इज्जत हमार बचा लिया बाबू, ठीक बा? हाँ सॉरी यार, कहीं व्यवस्था कर ली है। अरे पर छगन भाई, हम मुंबई में क्या करब? आप उन फोन रखता भाई, ठीक है ना? ओके बाय। हेलो छगन, हेलो अब क्या करी ये अनजान शहर में, के करी हमार मदद?
थैंक यू। प्रिया तुम्हारी हमेशा की आदत है कि तुम लेट आती हो। तुम्हारे बिना ये पार्टी पूरी बेरंगी पड़ी है। ओह, अब नाराज मत हो और ये लो। थैंक यू। तो टेंशन मत ले, मैं अभी पार्टी का रंग जमा देती हूँ। सुनाई नहीं, दिखाई पड़ रहे ले। रास्कल्स, रास्कल्स, नोच ले क्या? अच्छा, हाँ।
आप टेंशन मत लीजिए, अभी हम देखते हैं इन लोगों को। कहा है बे, कहा छेड़ रहे हो लड़की को? कह रहे भैया आज ही आए क्या जनरल बोगी से? चुपचाप कल्टी मार ले, वरना आए जनरल बोगी से जाएंगे पार्सल बोगी से। धोनी के बात सुन के हमरा के एगो बात समझ में आई, कुकुर कितनो बढ़िया नस्ल के होके जब भी मोती टांग उठा के मोती नहीं समझे? नहीं अभी समझा दे। हमको लगा था आप शहर के कुत्ते हो, कुछ और भोगोगे, लेकिन आप भी गांव के कुत्तों की तरह ही भोगते हैं, बस भाषा का फर्क है। कुछ समझे? नहीं समझा। नहीं समझे की छेड़त रहन ससुर के नाते। थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो हमारा फर्ज था। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे थे? अब का बताई हम, मैम साहब पहली बार आए हैं मुंबई अपने दोस्त के साथ, रास्ता में छोड़ के भाग गया। फोन करके बोलता है कि हम किसी चाल के एक कमरा में 10 लोगों के साथ रहते हैं। अब का करे, कहा जाए, समझ नहीं आ रहा है। तो समझिए कि आपके सारे प्रॉब्लम्स का समाधान हो गया। हा? मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कहीं ना कहीं आपको काम दिला ही देंगे। अब चलिए मेरे साथ। अच्छा? आइए। हाँ। हम तुम्हारे एहसान मंद हैं कि तुमने गुंडों से मेरी बेटी की जान बचाई। खैर क्या नाम है तुम्हारा? जी मोहन। कहाँ के रहने वाले हो? गांव रामपुर, जिला मोतिहारी, बिहार से। बिहार? बिहार पटना के तो हम भी हैं, लेकिन जब से प्रिया की मम्मी की मौत हुई है हमारा आना जाना कम हो गया है। खैर तुम्हारी शादी हो गई? शादी? मैं समझ गया, मुझे पता चल गया कि तुम शादीशुदा नहीं हो। पूछो कैसे? जी कैसे? अरे भाई जब हमसे पूछा गया था ना, तो हम भी तुम्हारी तरह साइलेंट हो गए थे। अब तुम्हारा इंटरव्यू समाप्त होता है, आज के बाद तुम्हें हम अपनी बेटी प्रिया का बॉडीगार्ड रखते हैं। यहीं रहना, यहीं खाना, और तनख्वाह 20,000 रुपए, ठीक है ना? जी अब ऐसे बड़ा और कहा हो सकेला। डैडी मैं जिम जा रही हूँ। जाओ शौक से जाओ, लेकिन आज के बाद अकेले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहन को हमने तुम्हारा बॉडीगार्ड रख दिया है। वाओ दैट्स ग्रेट। आज के बाद तुम जहाँ भी जाओगी मोहन साय की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। कूल। आओ मोहन। जी धन्यवाद। मोहन। जी तुम यहीं रुको। जी मैम साहब। मोहन आज से नो मैम साहब, सिर्फ प्रिया, अंडरस्टैंड? ओके प्रिया जी। फिर प्रिया जी। Only Priya, okay? Jump. 1, 2. Hi, Katie. Hi. Priya, Priya, Priya. अरे मन तो करता कि तोरा नाम की माला जपी। Change okay. करके आई मैं। 1, 2. We'll be right back.
हमरी राधा के अब भेज ले हमरे सामने, जबकि हमरी राहे में पहले ही चंपा नाम के बाधा डाल देले बड़ा। बुरा भी नहीं है, एक देख के तो दिल के तार झंझना गए। गाना गा ली का साचो में तो हाँ कभी कही ना, देखी सपना में का कहतिया। चलल जाओ। देबू हो जइबू चंगा, झूठो के हमरा से लेता रूपंगा। अपना बता दे पहचान, दाता हो कब मिली समान, मनाव पाया पकारी हमने वान। दाता हो कब मिली समान, मनाव पाया पकारी हमने वान। चलू ऐसन तो जादू सनम, नहीं भूला पाइब जन्मो जन्म। कैसे मैं बन जाऊं जान, दाता हो कब मिली समान, मनाव पाया पकारी हमने वान। दाता हो कब मिली समान, मनाव पाया पकारी हमने वान। बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। अरे गधा का बच्चा, 2 दिन हो गए तो रात में मैं गई ना।
अरे तो के फोन करे के चाहत की ना रहे ना बाबूजी, हम फोन करवाला रहनी। चुप कर था का बच्चा, ये पता कहीं नौकरी वोकरी मिलल की ना, कि ऐसा ही घूमा था रे। देख अगर कोनो काम नहीं मिला था तो चुपचाप घरे लौटा, समझ की नहीं। ना बाबूजी, नौकरी मिल गई बा। हाँ मिल गई बन, तो अपने दुल्हन के आगे फटाफट ले जो। बाबूजी अभी तनखा मिले दा, कमरा उमरा ले जाए, ओकरे बाद हम चंपा के ले आए। अच्छा ठीक बा, रख फोन। जी बाबूजी। अरे क्या हुआ मोहन? कुछ नहीं, वो हमारे दोस्त छगन का फोन था, पूछ रहा था नौकरी वोकरी मिली या नहीं। तो बता दो ना कि नौकरी मिल गई। चलो हमारा के छुट्टी चाहिए। छुट्टी? हाँ। किस लिए? हमार मेहरारू के तबीयत खराब बा। वो क्या है रामू? मुझे बिजनेस के सिलसिले में 15 दिन के लिए बाहर जाना है। मेरा जाना जरूरी है, लेकिन तुम्हारा जाना भी जरूरी है। तुम जाओ जाओ। जी डैडी, लगता है आप बिजनेस ट्रिप पे बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ बेटा मैं जा रहा हूँ, लेकिन रामू काका भी अपने गाँव जा रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? का बताए बेटी, हमार मेहरारू के तबीयत खराब बा। अच्छा ठीक है, अब जल्दी चले जाइए वहाँ। जी जी। मोहन जी, मेरी गैर मौजूदगी में इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जी आप चिंता मत कीजिए। मैं तो चिंता नहीं करूंगा, लेकिन अब चिंता की बारी तुम्हारी है। ओके बेटी मैं चलूं। ओके आइए, मैं आपको कार तक छोड़ देता हूं। बाय। आइए। क्या हुआ? मैं स्लिप हो गया। देखो तो दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास चलते हैं। एक्सरे मैंने देख लिया है, 10 दिन की दवा मैं लिख देती हूँ। मामूली से हेयरलाइन फ्रैक्चर है, पर आपको प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा। ला 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 ला।
हेलो। हे प्रिया, तुम्हारा पैर ठीक हो गया? पार्टी तो बनती है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज ही करते हैं पार्टी। चीयर्स। आज की शाम प्रिया के पैर के नाम। ये। थैंक्स यार, तुम लोग मेरे पैर ठीक होने के पार्टी में आए। अरे मोहन जी, तुम भी लो ना। नहीं, हम शराब नहीं पीते। अरे ये शराब नहीं है, शैंपेन है, यहाँ सभी लोग पीते हैं, लो। जी नहीं। अरे पी लीजिए मोहन जी, आपकी राधा जी कह रही हैं, अरे मतलब आपकी प्रिया जी कह रही हैं। तुम लोग भी ना। ओहो, शर्म से गाल लाल हो रहे हैं, आप पी भी लीजिए। मोहन हाँ? लो ना प्लीज। अरे चलो चलो, तुम सब लोग बहुत मस्ती कर रहे हो, चलो चलो चलो। हे भगवान, हमके माफ कर दो, तू तो जनते बड़ा कि हम जिंदगी में पहले बेर चोरी के लिए बनी। ओहो ओहो, अपन ससुर जी की फोन। उनका से बात करे के बड़ा मन करे था, आज हम बतिया ही। घंटी जाता। वैसे एक बात बोलूं प्रिया, तुम्हारा बॉडीगार्ड ना एकदम हस्बैंड मटेरियल है। मेरा बस चले ना तो मैं उससे शादी कर लूं। फिर करम, आज तो बतिया के रहा। घंटी जाता। थैंक यू सो मच प्रिया, एक बार शादी हो गई फिर कहाँ यार ये पार्टी शार्टी। मोहिनी ने बोला, मैं भी फिर से बोल रही हूँ, तुम्हारा बॉडीगार्ड यार एकदम मस्त है। ओके गाइस, पार्टी इज़ ओवर, सब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। ओके यार, बाय, चल टेक केयर, गुड नाइट, बाय 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 बाय। We'll be right back.
कोनो अनर्थ नहीं क्यों होके वाला बा। हे भगवान, अब पता ना प्रिया का सोची हमारे बारे में। शराब के नशे में भाग गए नहीं जा, लेकिन हम तो उसे प्यार भी करे लागल बने। न जाने ओकरी मन में का बा। मोहन। हाँ? जी प्रिया जी। प्रिया जी नहीं, सिर्फ प्रिया बोलो। प्रिया जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पता नहीं इसका प्रायश्चित हम कैसे करेंगे। माफ कर दीजिए प्लीज। माफी माफी, माय फॉल्ट। और इसके प्रायश्चित में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, और अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मोहन, क्या सोच रहे हो कि डैडी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? उनके वापस आते ही मैं उनसे बात करूंगी। अरे आपस में क्या बातें हो रही हैं, हम भी तो सुने। अरे डैडी, आप वापस आ गए। एक्चुअली डैडी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो ना, मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ। हाँ, वो क्या है कि मैं मोहन से शादी करना चाहती हूँ। प्रिया, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अपनी शादी की बात अपने बाप से करो, डर गई ना? अरे ये बात तो मैं तुमसे खुद पूछने वाला था। मोहन मुझे मेरे दामाद के रूप में पसंद है, बहुत अच्छा लड़का है। मैं तुम दोनों की शादी का इंतजाम बहुत जल्द करता हूँ। राहेदाना दुल्हन साफे बा। अरे माई, साफ सफाई रखे के चाहिए हमेशा। महनवा के फोन आए रहे ना? अरे हाँ, देखा दानी कहीं मोहनबा के फोन तना। हाँ हेलो, एयरटेल में स्वागत है आपका। अब पाएं 121 रुपए के रिचार्ज में 121 रुपए का टॉक टाइम। केकर फोन रहल है दुल्हन? कंपनी के रहल है। अब दुल्हन के चेहरा हमरा से देखल नहीं जात, इतना उदास रहतिया। जब से मोहना मुंबई गल बानू, ना फोन करता, ना कोनो हालचाल पूछता, ना बातचीत करता, दुल्हन एकदम मुरझायल मुरझायल रहताड़ी। हमरा से इकुल बर्दाश्त होत बाना। लागत है गधा का बच्चा मुंबई की चकाचौंध में सब कुछ भुला गई बा। पता नहीं क्या क्या करता। सकू मन गुनगुनाने से खेल
बाटे फेले एगो राई से हटे ना निगाह सुघराई से अंगड़ाई से जिंदगी अब सबर गई तोहके पाई के 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 जिंदगी अब सवर गई तोहके पाई के जिये के मकसद मिलल रात रानी बन के सजनी दिल में रहबू खिलल जिंदगी में आपके आ जाने से डर है नहीं अब जमाने से इस जमाने से जिंदगी अब संवर गई आपको अब सबर गए तोहके पाई के दिलू तो फूल झरेला मनवा ऐसे झूमे जैसे कोनो फूल पे भंवरा आगे पीछे घूमे खिलते हैं फूल मुस्कुराने से रूठने मनाने इतराने से मन रिझाने से जिंदगी अब सवर गई आपको बजाने से 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 जिंदगी अब सवर गई तोहके पाई के तैयार नहीं हुए हाँ, हम लोग लंच पे बाहर जाने वाले थे ना। ओ, हो, हो, अरे बाप रे बाप हम कैसे भूल गए अरे हम बस अभी गए और अभी नहा के आए ठीक है हाँ। हेलो प्रणाम अरे मोहना तोर बाऊजी की तबीयत बहुत खराब है सीरियस मैटर कहाँ जल्दी घरे आ जाओ ठीक बा हम जल्दी आओ बताने ठीक बा क्या हुआ तुम अचानक इतना परेशान क्यों हो गए कुछ नहीं हमें गांव जाना होगा जल्दी से कहाँ वो कहा है कि हम जिस पेड़ की डाली है वो पेड़ खतरे में है पेड़ डाली मतलब मतलब तुम नहीं समझोगी हम बस यू गए और यू आते हैं ठीक है Thank you.
गधा का बच्चा आवा। ए मोहन कमाई, अरे आरती का थाली लेके आवा, तोहार दुलरुआ अलबाड़न बम्बई से। कहले रली ना कि हम बाप पानी कदा के बच्चा के। तो ये सब ड्रामा करके हमके बुलावल गई। अरे कितना मुश्किल से छुट्टी मिले हमके। चुप कदा का बच्चा, हाँ निकल तो हर नौकरी। तोरा के तो फुर्सत नहीं के कि अपने माँ बाप का खोज खबर ले सके। आए? अरे कम से कम अपने मेहरानू के बारे में तो सोचे के चाही, जौन अपन घर द्वार छोड़ के तोहरा खातिर यहाँ आयल बिया। तोहरा के तब फुर्सत नहीं के। कान खोल के सुन ला, अब तोहरा के मुंबई जाए के नहीं खे, और अगर जाए के बाद तो ओकरा के साथ ले जाए के पड़ी। बाबूजी हम तोहरा के बताओ नहीं ना, वही जहाँ 16-16 लोगों के साथ रही ले। अरे 16 के साथ रहा चाहे 20 के साथ रहा, पर हमार बात भी माना, अगर जाए के बाद तो साथे जाई, नहीं तो तू यही जे रहब। कितना बार फोन करत रहल तोरा के, एको बार फोन ना उठैला, हलो पलट के फोन कैला, बात करत रह। प्रिया यही मेरी पहली पत्नी है, चंपा। पसीना छूटे लगल दुल्हन के मुंबई ले जाए के नाम पर जाइबा ना तो दुल्हन के लेके जाइबा, नहीं तो चुपचाप यहाँ रह के घर का काम का संभाला। अरे भगवान का दीहल, 20 बीघा जमीन हर है हमारे पास, तोरे लैकन बच्चन के आराम से पाल सकीला। अरे सोचत का बाड़े है, चल अंदर जो सामान ले चल। हे भगवान अब का करी, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, अभी बिना ले गए इतना भयानक सपना होता। लेके चल जाए तो पता ना का हुई, कौनो ना कौनो रास्ता निकाले के पड़ी। एक काम करता नहीं, चंपा के ले जाके कुछ दिन होटल में रख दे, फिर एक राके एक बाप के यहाँ पहुंचा दे, सब टेंशन ही दूर हो जाए। हाँ ये सही रही। ए जी रउवा के हमारे ओही जो याद ना आयल। अरे चंपा याद आवत रहे ना, एकदम याद आवत रहे। साचो तोहार के लिए चंपा। तो इतना दिन से हमके फोन काहे ना कही नहीं। फोन फोन अरे तू तो जानते बड़ू बम्बई में सब लोग कितना व्यस्त रहेला बिना मतलब। हाँ तू अपन बैकपैक कह लू कि ना। हाँ आई हूँ दादा, अब ही ले ना कही नहीं। ना कह लू। अरे जा कर फटाफट, कल सुबह निकले के बा। कल सवेरे। हाँ पक्का ना। अरे एकदम पक्का। जा जा बम्बई। बम्बई जाता नहीं। बम्बई हमारा के तोर बहुत याद आये भाई। अब तोरा के खनवा के किया आये भाई। सब हो जाए, हम तोरा के फोन कर रहे हैं। बातचीत होता है। बहुत बा बेटा, चला हम लोग अपन ख्याल रख ले बेटा, चला। बोल लागे ताने भाई। बाबूजी। बेटा ठीक बा, ठीक बा बेटा, ठीक बा, खुश रह, खुश रह बेटा। एक दाह का बच्चा, जगह बहु के चूहू चौपाटी जरूर घुमा दिए, सुन ले ही बहुत अच्छी जगह पर, और हाँ मुंबा देवी का दर्शनों करा दिए है। आवा बेटा चला चला। दुल्हन मोहनवा के हाथ पकड़ के रखिया, छोड़िया जेन कहीं। हाँ अच्छा ध्यान रखिया, चला चलो जाओ, चलो चलो चल। ई का है माई कहले बाड़ी, हमेशा हाथ पकड़ के रखी है, यही से पकड़ ले बानी। चलो
चलो माई। लंदन हो? अच्छा अच्छा हाँ। ए काय आसा तारू? ए जी ओ लईकी रहल ना, वो अपन कपड़ा पहिनल भुला गईली। अरे कपड़ा पहिनल भुलाई नहीं के फैशन हो। ई कवन बटे हमार चाचा? अच्छा पता नहीं मोहन कब आएगा। चली ना। हाँ हाँ चलो तानी, अब तू बैठे ही जा। कहाँ है? टैक्सी लेके आओ। अरे लेकिन ऐसे कहाँ है रख लेनी? बहुत भारी बा ना। अच्छा हिलिए मत ना, बस ही जा बैठा रह, ठीक है? हम बस अभी आए नहीं। हाँ बैठा बैठा। अरे भैया तुम यहाँ? हाँ मोहन, तुम्हारे प्यार में पढ़ के ये जाना कि बेकरारी क्या होती है। जब से तुम गए हो ऐसा लगता था एक एक पल जैसे एक एक महीने जैसा है। वक्त तो अपने रफ्तार से चल रहा था, सिर्फ जिंदगी रुक गई थी तुम्हारे याद में। बेकरारी का आलम ये था कि मैं रोज इस स्टेशन पे आ जाती थी पर तुम नहीं आते थे। अरे काम ही ऐसा था ना, अभी हम आ गए ना। हाँ अब तुम आ गए हो, चलो जल्दी से घर चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो मतलब इतने दिन में तुमने मुझे याद तक नहीं किया। अरे याद से याद आया। अरे बाप रे बाप, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया है। क्या हुआ? अरे हम एक कीमती सामान स्टेशन पे भूल गए हैं। कीमती सामान? हाँ। अरे मरे मैया रे। कहाँ चल गई नी? अभी जाके लेके आते हैं। अरे लेकिन अभी कहाँ जा रहे हो? है? अभी तो उसे कोई उठा के लेके गया होगा। अरे वो ऐसा कीमती सामान है उसको कोई उठा ही नहीं सकता है। क्या है? कुछ नहीं, हम बस यू गए और यू आते हैं, ठीक है? हम आते हैं। हेलो। अरे जल्दी आ यार। आपने कोई औरत देखी यहाँ पे मोटी सी? कौन? काली सी? नहीं मेरे को नहीं मालूम। कैसी थी? काली थी यार। मोहन? क्यों इतने परेशान हो?
अरे पुलिस स्टेशन चलते हैं, सामान गुम होने का रिपोर्ट लिखवा देंगे, सामान मिल जाएगा। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, चाय पियो। अरे क्या नाम है तुम्हारा, चाय लाओ। चाय। चंपा, ये मोहन है, हमारी बेटी प्रिया का पति। और मोहन, ये चंपा है, स्टेशन पे खड़ी हुई बेचारी रो रही थी, अकेली थी। पूछने पर पता चला कि इसका पति इसे छोड़कर भाग गया। मुझे बड़ी दया आई इस पर और मैं घर ले आया। वैसे भी रामू काम पर नहीं है आजकल, मैंने ठीक किया ना बेटी? से एक बहुत बड़ भूल हो गई रहे, जेकरी वजह से हमके बियाह करे के पड़ल। चंपा चंपा भूल के प्रायश्चित करे खातिर हमरा लगे और कोनो रास्ता ना रहे। देखी हम रउआ से ना लड़ब, हम जाने तानी हम कुरू भाई, हम सुंदर नहीं की, लेकिन लेकिन सुंदर बड़ी और रोने लायक भी बड़ी। चंपा हम तो रखे खोजे खातिर स्टेशन गेल रहनी, सारा सारा शहर छान मानी, मगर तू ना मिलू। चंपा चंपा तू एक काम कर, कुछ दिन खातिर अपना बाबूजी घर चल जा। ना ना ऐसा ऐसा मत बोली, हमार बाबूजी की खुशी तो हमार बियाह में ही रहल। उ काका ना कहीं ना हमरे बिया खाते, उनका के सब पता चली तो जीते जी मर जाई है। और अपने के बाबूजी की तरह वो जानते ही बानी, उनका के कुछ पता चले तो पता ना का होई। हम एक काम करता नहीं, हमें को किराए पे मकान ले लेता नहीं, तोरा जरूरत के हर सामान लेके रखते। ना ना जी, हमरा के अपने से दूर मत करी। जब रहुआ हमके ओहिजा छोड़ के एहिजा चलेनी, तब हमके राउर सेवा करे के मौका भी ना मिलल। हम इहे घर में रही के राउर सेवा करब।
देखी एगो एगो पत्नी खातिर अगर पति ही सब कुछ होला, लोग कहलन कि पति भगवान के रूप होला। हम हाथ जोड़ता नहीं, हमके हमार भगवान से दूर मत करे। हम रउवा लगे रह के राउर सेवा करके रउवा के देख के बहुत खुश रह, हमके खुशी मिली। चंपा तू देखी हम यही जा केहू के ना कहब कि रउवा हमार पति बानी, हमके यही जा रहे थी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पूजा कर रही हो? जी। अब कैसी हो? ठीक बानी, धीरे धीरे ठीक हो जाए। अरे एका दीदी, तू नहा के आयलू हा और सिंदूर ना लगाओलू? रुका हम लगा बतानी। इससे क्या होता है? अरे बड़ बुजुर्ग कहलन कि सिंदूर सुहाग की निशानी होला और पति के लंबा उम्र खातिर मांग कब सुनाना रखे के चाहिए। अच्छा मैं चाय बना के आती हूँ। अरे हमरा रहते आप कैसे काम कर सकता नहीं? अच्छा ठीक है, तू जल्दी से चाय बना के लेके आ, मोहन को डैडी के साथ कहीं जाना है। अरे दीदी आप अपने पति के नाम लेनी। पति के रूप तो भगवान के रूप होला, नाम ना लिहल जाला। अरे पगली यहाँ पे ऐसे ही होता है। सुनो सुनो ना, उठो ना। अरे सिंदूर? हाँ चंपा ने लगाई है। कह रही थी कि मांग सुना नहीं रहना चाहिए और सिंदूर लगाने से पति की उम्र बढ़ जाती है, और मुझे तुम्हारी उम्र से ज्यादा और क्या चाहिए। दीदी चाय। अरे चंपा चाय लेके आ गई? ला। काका 200 रुपया ना देबो? पैर दबईबे कि 200 रुपया मांगबे? जब आइबे त 200 देता 300 देता खाली। समधी जी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। अरे ई सब लेके कहां चलनी हो? उ का है समधी जी, ई साल खेत में केला का फसल बहुत अच्छी आइल रहे। अच्छा हम सोचली कुछ रहुआ लोगन खातिर ले ले चली। अब बहुत दिन हो गई चंपा अपने खेत के केला नहीं खेले बा, यही खातिर ले ले आइली। अरे एकरा उतरवाई तो सही। इतना दूर से लेके आवत आनी? अब बैठ बैठ। अरे कुछ मिठाई है? बैठ। अब का बात समझे जी कि ये सब चंपा के खियाए बदे तोरा के 2000 किलोमीटर दूर जाए के पड़े। 2000 किलोमीटर दूर कहाँ? अरे मुंबई। मोहनवा के मुंबई में अच्छा नौकरी मिल गई बा। अरे वाह। और दुल्हनिया अकेले रहत रहन तो हम कहली मोहन से कि आके बहू के ले जा, दोनों जने के साथ रहे के चाही ना। समधी जी इतना खुशी के खबर सुनौला
कि मन करा था कि अब है उड़ी और जाके लोगन के मुंबई में देख ली। अरे उड़े के बात करे ताड़ा, एगो मोबाइल तो खरीदे ला नहीं कि कम से कम बतिया ले बिटिया से। बात तो रउआ सही कहता है, अगर आज हमारे पास मोबाइल हुई तो कम से कम उन्होंने जाए समाचार तो मिल गई हो। लेकिन समझी जी एगो बात कही, हमार चंपा बहुत भाग्यशाली बिया हो, आज वो अपना मोहन के साथे मुंबई में रह रहल बिया। प्लीज हैव सीट। बोलिए मैडम, क्या चाहिए आप लोग को? वड़ा पाव, भजिया पाव, रगड़ा पाव, समोसा पाव, इडली, डोसा, इडली, चोखा। नहीं, तुम बताओ। हाँ, कुछ अच्छा देख। एक चेहरा तो कुछ चिन्हल चिन्हल लगता। मोहनत नहीं है? कुछ मिला? ढूंढ रहा हूँ। अब पता चल जाए। कितना लुकोई है, बड़ा मौज करता टने बम्बई में आके। कितना देख रहे हो। एक्सक्यूज मी, का रे? मतलब क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नथिंग। अरे ओ हेलो, आई नहीं छुपाएंगी। एक मिनट, एक मिनट। क्या देख रहे हैं? अरे चीनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसे क्यों कर रहा है? देखो ना। बेबी, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। अरे बाप, मोहन रहल। मोहनक दादा के बाप बम्बई नहीं आई रहे। ओ मोहन रहल, लेकिन साथे मेहरारू। घर मेहरारू बाप। ठाकुर साहब, पुलिस चंपा के पति को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर उसके पति का कोई फोटो मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है इंस्पेक्टर, हम पता करते हैं। डैडी। अरे आओ, आओ, आओ। सब ठीक है? सब ठीक है। खाना वाना खाए? हाँ। मोहन जी, तुम्हें पता है पुलिस चंपा के पति का अभी तक पता नहीं लगा पाई। इंस्पेक्टर कह रहा था कि उसके पति का कोई फोटो होता तो हमें ढूंढने में आसानी होती। अब फोटो उसका, हाँ चंपा को यहीं बुला के पूछ लेते हैं ना। चंपा जी। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें कोई जानने वाला या तुम्हारा कोई रिश्तेदार इस मुंबई में है? ना बाबूजी, ये दुनिया में हमारे पति के अलावा हमारे केहू नहीं के। कोई फोटो तो तुम्हारे पास होगा ना उसका? ना ही बाबूजी। अच्छा एक काम करो, उसकी शक्ल सूरत हुलिया तो बता सकती हो ना? हमारे पति एकदम भगवान श्री राम जैसन बड़े, वही सूरत वही शक्ल और उहे तेज। अरे पगली, तू जिसे भगवान का दर्जा दे रही है वो कोई भगवान नहीं है, राक्षस है, जो तुझे इस भीड़ भाड़ के शहर में अकेला छोड़ के चला गया हो। अरे वो कोई भगवान वगवान नहीं है, बल्कि एक नंबर का कमीना है। दीदी दीदी बस, और कुछ मत बोलो बस। सुना है पानी के धार से पत्थर भी पिघल जाते हैं, और एक तेरा पति है पता नहीं किस पत्थर से बना हुआ है, उसे तो नरक में भी जगह नहीं। दीदी बस चुप हो जा बस। हमारे पति जैसन बड़े वो हमारे भगवान बड़े, और हम अपन भगवान के अपमान नहीं की सहन कर सके। अगर
अगर हुआ कि हमरा से करो दिक्कत बात बोल दी हमेशा से चल जाए बाकी बाकी उनका के कुछ मत बोली। पता नहीं कैसा पति है जो इतनी भोली भाली सीता जैसी पत्नी को छोड़ के चला गया हो। मुझे माफ कर दे, अब से तेरे पति को कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने राम जी को तो अभी तक देखा नहीं है, लेकिन तू बिल्कुल सीता जी जैसी है। तेरा राम जहां कहीं भी हो तुझे जल्द से जल्द मिल जाए। डैडी, आप मेरे फ्रेंड मोहिनी हाँ, की सगाई में चलेंगे ना? ओ, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे।
हेलो सर, अपनी कंपनी का ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स आ चुके हैं, आपका वेट कर रहे हैं। ओके, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटी, अब मैं तुम्हारी सहेली की शादी में नहीं जा पाऊंगा। चंपा चाय लेके भी आ गई, मुझे चलना होगा। लेकिन क्यों डैडी, आपके लिए तो बस बिजनेस बिजनेस एंड बिजनेस। बेटी बिजनेस तो बिजनेस है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं चंपा को लेके जाऊंगी। वेरी गुड आइडिया, चंपा तुम प्रिया के साथ चली जाना। ओके चंपा, चल तू मेरे साथ सगाई में। दीदी हम ना जाए। क्यों? बस ऐसे ही हम ना जाए। लेकिन क्यों? अच्छा देख, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो आज से मैं भी तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। दीदी ऐसा मत बोला, हम नहीं की चाहत कि हमरा जाए से शादी की रौनक खराब हो जाए, और हम संगे चलब तो बेइज्जती और हंसी के अलावा और कुछ ना मिली। ओहिजा कितना सुंदर सुंदर लोग होई, हम ओहिजा का करब जाके? किसने कहा कि तू सुंदर नहीं है? तू चल मेरे साथ, आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि तू कितनी सुंदर है। कहां? प्रिया, who is this प्रिया? बॉबी, ये चंपा है, इनका मेकओवर करना है। चंपा? चमेली का तेल लगा के आई है? दीदी, ये का करी है? ये तो खुदे, ये तो लौंडा बा। हाउ हाउ? चंपा, बहुत बड़े स्टाइलिस्ट है। ये जो बोलेंगे तुम कर लो ना, सब ठीक हो जाएगा। बॉबी प्लीज प्रिया, इनको लेके जाओ। प्रिया तुम कहती हो तो मैं कर दूंगी। की जोरे मुझे सा तू का कर बे, पहले हिलावल तो बनकर गधा। प्रिया बॉबी प्लीज। दीदी ना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, जाओ। माटी लगवाना कवन, माटी लगावा सारा रे पकले लवा। ए दीदी काम डाउन बेबी प्लीज, हो गया। बस काम डाउन बेबी, हो गया ना। ए हिलाना आंखें फोड़ दे बेका। बेबी इसे रखना पड़ता है, इसको रखने से क्रीम आंख में नहीं जाती है। डोंट क्राई बेबी। चंपा है,
इसकी बहुत लंबी कहानी है। इसका पति ना इसको स्टेशन पे अकेला छोड़ के चला गया। पता नहीं कैसा पति है। आगे का क्या प्रोग्राम है? अरे हट, माटी लगाओ ना। चलो बहुत सारा काम है। चलो चलो। हाँ ऐसे घटिया हरकतें शरीफों को शोभा नहीं देता है। अरे ऐसी देसी गोरी को कौन गौर से नहीं देखना चाहेगा? चुप। तुझे पता है वो शादीशुदा है? गलत बोल रहे हो भाई, शादीशुदा नहीं है, पति छोड़ के भाग गया उसको स्टेशन पे। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नसीब का बहुत तेज हूँ और मैं ही उसका पति बनूंगा। अगर मैं इसका पति बनकर नहीं दिखाया तो मेरा नाम बाके लाल नहीं। खाना तो बहुत अच्छा है। बेटी तुम्हारे डैडी नहीं आए? अब क्या बताऊं अंकल, मेरे डैडी को तो बस बिजनेस बिजनेस एंड बिजनेस। ये बहुत गलत बात है। मैं हर फंक्शन में तुम्हारे यहाँ आता हूँ, एक तुम्हारे डैडी जो है बिजनेस 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 लगा के रखे रहते हैं। आई नो। कहाँ देख रहे हो? कहीं नहीं। खाओ। एक और, एक और प्लीज। खाना तो खाओ। मैं अभी आई। अरे अरे बस ले लो ना, ले लो। अरे हम कहा नहीं ना। कहा है बे? जब वो मना कर रही है तो काहे जबरदस्ती खिला रहे हो? अरे तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? का कहे? मना कर रही है। हाँ चलो यहाँ से। केहू कुछ दे दे तो ले ले वो। जी चुप। जी का बच्ची। अरे वो इतना प्यार से खिलावत रहे, यही से खा लेनी ना। प्यार से? अरे कोनो पागल तो की प्यार से जहर खिला दी तो खा ले बुका। दोबारा अगर क्यों से कुछ ले लूँ ना तो तुम्हार जबान काट दूँ। मोहन। जी प्रिया। क्या कर रहे थे वहाँ? वो कुछ नहीं, चंपा खाना नहीं खा रही थी, शर्मा अच्छा, रही थी तो हम कहे खा लो। तुमने खा लिया ना? हाँ हाँ। तो प्लेट रख के फ्रेश होके आ जाओ। काट के रख दे। चंपा चंपा तेरा पति तुझे भागा है छोड़ के, मैं तेरा पति बनूंगा रे चंपा चंपा चंपा। अरे ओ चंपा, पीछे से चंपा। किसे ढूंढ रहे हो? चंपा को। चंपा को? पर उसका रूमवा तो चेंज हुआ है। किधर? इधर आओ। अरे आओ चलो चलिए। चंपा के लेके हमरी मन में इतना जलन काहे होके लागल बा? हम तो उसे प्यार भी ना करें ना, कहा करी कुछ समझ में नहीं आवत। क्या हुआ? हा? क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, वो मोहिनी की शादी से अभी आए ना। हाँ थोड़ा सफर का थकान है। हाँ और वैसे भी सगाई का खाना खा के कुछ ज्यादा ही उब गए हैं। चंपा को बोलती हूँ कुछ अच्छा खाना बनाए। चंपा चंपा। हाँ दीदी। चंपा आज तो अपने मन का कुछ गांव टाइप खाना बनाना।
ठीक बाटे, का खाए के बा बता दी। हमके तो आज कुछ नहीं के खाए के। क्यों, आज क्या है? अरे दीदी, आज हमार व्रत है। व्रत किस चीज का? तीज के। अब ये तीज क्या होता है? दीदी, तीज के व्रत ना हर सुहागिन रखे ली अपन पति के लंबा उम्र खातिर। यही से हम रख ले बानी। सुनो, मैं भी तीज का व्रत रख लूं। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता है कि तीज का व्रत कैसे रखते हैं। दीदी, हम आपके सारा विधि बता दें। हाँ। तू बहुत अच्छी है। पता है, मेरी कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन आज से तू मेरी बहन है। ठीक बा। की विजिटिंग कार्ड पर तो यह का पता लिखल रहा है। लागत है कि हमने के कोनो गलत जगह आ गए। पूछते केहू बा हो, कोई हो?
हे भगवान, बाबूजी और ससुर जी, अब हम क्या करें? बेटी, काई घर हमार बेटी चंपा और हमार दामाद मोहन जी के है। बाबूजी, हम चंपा हैं। हाँ। दुल्हन, तू समझी जी, दामाद जी हमारा बेटी के एकदम बदल के रख देले बाड़न हो, एकदम एकदम चमत्कार हो गई बा। और यहाँ के व्यवस्था देखा देखा देखा, यहाँ के व्यवस्था तो देखा, ऐसा व्यवस्था कोनो राजा महाराजा के घर में ना होला। बिल्कुल बिल्कुल। ए समझी जी, दामाद जी हमारा बेटी के एकदम रानी बना के रख ले बाड़न। चंपा तोहार ऊ दोनों चोटी और ऊ समर का चेहरा, अरे सब कहाँ गायब हो गए रे? लागत है मुंबई के पानी तोहरा के एकदम सूट कर गई बा। ए दुल्हन, ये घर मोहने का बा ना? हाँ हाँ हाँ। इतना जल्दी, इतना बड़ घर, दोनों गलत काम ना न करे लगे धाक बच्चा। ना ना, ना बाबूजी। ए समधी जी, ये सब हमार बेटी के पुण्य प्रताप का नतीजा है। ई सब हमरे बहू के शुभ चरण का नतीजा है। अरे भाई, दोनों बात एक ही भइल ना। है कैसे एक भइल? दोनों हाँ? बात अलग-अलग। बाबूजी, बाबूजी, आप लोग थक गए हो कब इतना दूर से आइल बानी? चली कमरा में आराम कर ली। लाई सामान हमके दी। बाबू बाबूजी हमके दी। चलो ला। आई। चलो जल्दी आई। चलो बेटी। आई बाबूजी। अरे ए, ये तो बड़ा गुलगुल बहो। ए बिटिया, हम तो यही सुत भा। हाँ, कहे ना। अरे हाँ, गधा के बच्चा के फोन करते कि ओकर बाप आयल बाड़न। हम अपन फोनवा तक घरे बुला गए। बाबूजी, हम तो रोवा के बतौले भुला गई नी कि यहाँ के बहुत जरूरी काम से मुंबई से बाहर गेल बानी, आवे में दो चार दिन लग जाये। अरे तो कोनो बात नहीं किए, तबले हम लोग मुंबई दर्शन कर लिए। कहो ठीक रही ना? अच्छा, हम खाना पीना के इंतजाम करके आवत आनी। ठीक बा ठीक बा, तब तक हम अपन इंतजाम कर ले। जा जा बेटा, जा जा जा। भाई चल जाए सब के। का बात है भाई, वाह। लंच बहुत ही अच्छा था, और मैंने कहा था ना, रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा। ओ चंपा, आ गई लो दीदी। हाँ मैं आ गई। तू दिन भर कितना काम करती है, कभी आराम भी कर लिया कर। अच्छा सुन, मैं बहुत थक गई हूँ, एक चाय पिलाएगी? हम अभी ही बना के ले आ बतानी। हाँ। बाबूजी लोग अखिल बड़े। बाबूजी, बाबूजी अगले। हाँ, और हम उन लोग के मेहमान वाला कमरा में रुका दे ले बानी। ठीक है लो। और आ रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ। हम लोगों से कह देले बानी कि रवा कुछ काम खातिर बाहर गेल बानी। हाँ, और उन लोग के लगा था कि ये पूरा घर हमनी के हो। अरे बाप रे। देखी रवा, चिंता मत करी, बस रवा कमरा से बाहर मत निकले। हम कसम करके उनका के भोरे भोरे भेज दे। बाकी चंपा। अरे भेज दे रवा, चिंता मत करी, जाई। हे नहीं जाई। भगवान पागल हो जाएगा। अरे हम तो सोचले रहली ना कि गधा का बच्चा जिंदगी में कुछ न कर पाए, पर गुरु मुंबई आके बड़ी तरक्की की है। देखा अपने आप ही ससुरी ही लग बा। और यार ठंडा ठंडा हवा आवत बा। और हम तो सुनले रहली ना कि मुंबई में लोगन के लगे माचिस की डिबिया नियर मकान होला। माचिस की डिबिया? अरे फ्लैट हो, छोट छोट फ्लैट। ये तो बहुत पर महर नियर मकान बने लिया हुई है। साच कही संधी जी। हमार दामाद जी ना एकदम अंगूठी के नगीना वाड़े नगीना। और हे भैया, इस समय ना माता रानी की बहुत बड़ी कृपा बा। जय हो माता रानी की, जय हो। संधी जी, तू तो खुश पाड़ा ना? अरे बहुत खुश है हम। दास थोड़ा सा लेबा का? अरे वे सोब रस हो। अरे छी छी छी, जब देखी तब रहुआ हमार धर्म भ्रष्ट करे पे लागल बानी।
हमरा के माफ करी, आप ही मजा मारी। देखा तो हर बार बार धर्म में भ्रष्ट होत रहा ला। अच्छा एक बात बताओ, पिए लाना तो जिए ला कैसे हो? अपन अपन तरीका है भाई। हम सुन ले ही ना कि ठंडा पानी में मिला के पिए था ना, बड़ी मजा आवेला। ई तो रउए मालूम होखी। हाँ देखो काम कर पा। हाँ बोला। उपहार ठंडा करे वाली जो मशीन पा। ठंडा करे वाली मशीन? अरे फ्रिज महाराज, उबार रखा ला ना, उनमें से ठंडा पानी का एक बोतल। हाँ और बुरा बात बढ़िया, एक तो गिलास पी लेते हैं। हाँ तो ठीक बा, हम लेके आता नहीं। अरे ठंडा हवा, ठंडा पानी। मोहन, मुझसे चंपा की हालत देखी नहीं जाती, जैसे उसका पति उसको छोड़ के चला गया है। ऐसा तुम मेरे साथ कभी करोगे? मैं तो मर ही जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो प्रिया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ओ मोहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। का हो गए भगवान, भगवान बाबूजी। बेटी, दामाद जी तोरा सूते खातिर ई बिस्तर देले बाड़न। अरे ना बाबूजी, ओ कहा ना कि एही जाके नरम नरम बिस्तर पे हमरा के नींदे ना आवत रहे, एही से हम भुइया सूते नी और कोनो बात नहीं खे। हाँ बेटी, तू अपना बाप के बुड़बक समझता रू, हमरा से झूठ बोलता रू। ऐसन बात नहीं खे, हम एकदम खुश बानी, सुखी से बानी। हाँ तू बहुत खुश बाड़ू, वो फोटो देख हम समझ गयी कि तू कितना खुश बाड़ू। पता ना दामाद जी कौना जन्म के बदला निकल ले हमारा से। ना बाबूजी, उनका के मत कोसी, उनकर का गलती रहे, उनकर बिया हमारे जैसे कुरूप लेके के साथ कर दी हल गई, और उनकर बाबूजी भी उनकर पसंद ना पसंद ना पूछ ले। रहुआ के पता भा, सिर्फ हमरा वजह से उनकर जिंदगी नरक बन गई है। तू का चाहता रू बेटी, कि हम तुहार जिंदगी नरक बनाए दे? ना हमारे तोहरा के लेके गाँव जाए। ना बाबूजी, तू ही कह ले रहा ना कि बेटी की डोली बाप के घर से और अर्थी पति के घर से जाला। बाकिर बेटी, तोरा के हम ही हाल में छोड़ दी? ना बेटी ना, ये ना हो सकत, हम तोरा के अपने साथ ही लेके जाए। बाबूजी, वो भले प्रिया दीदी से शादी कर ले ले होखे, लेकिन दोनों ही हमरा बारे में सोचे ले, हमरा के तनिक भर चोट लग जाला तो दर्द प्रिया दीदी के होला। बाबूजी, वो दोनों जने के प्यार पाके हम बहुत खुश बानी। ना बेटी ना, हम तोहरा के लेके गांव चलब, हम अब ही दुर्गा बाबू से बात करब। ना बाबूजी, बाबूजी के कुछ पता चल गई तो अनर्थ हो जाये। तू का चाहता रहा कि हम बेवा बन के तोहार घर में रही, कि ऐजा एक घर में रह के दोनों घर के लाज बचाए? हाँ? बाबूजी, तू काले सवेरे ना बाबूजी के लेके चल जा, अगर प्रिया दीदी के मालूम पड़ गई ना तो उनकी शांति और हमारी खुशी में ग्रहण लग जाए बाबूजी। अरे तो तू का चाहता रू, ये हालत हम तोरा के यहाँ छोड़ दी? बाबूजी, बाबूजी, उनका के इज्जत से लेके चल जा। हम हार जोड़ता नहीं बाबूजी, राम गोड़ पड़ता नहीं बाबूजी के लेके चल जा। ए हमार बेटी, माता रानी सात घर दुश्मन के बेटी के भी दुर्दशा ना करें। ना बाबूजी, ऐसे मत बोली, हम खुश बनी, हम ये सब संभाल ले। अगर तू कहता रू ना
हम बिहाने बिहाने दुर्गा जी के लेके गाँव चल जाओ। अब तो तू खुश बाड़ू ना। बाबूजी ऐसा मत बोली, हम ऐसा सब संभाल ले, तू उनका के लेके चल जा। साब हुई पानी लिया वे गल बारन की कुआं खोदा तू है। अरे कहाँ रह गल रानी महाराज। लीना ली। अरे तो दो गिलास। हाँ आज हम हूँ पियब, हमारे में भी डाली। क्या बात है, गल अहला था पिए का बिल्कुल मन न रहे। अरे ऐसन का हो गलो, बेटी के खुशी देख के पिए के मन कह दिल जवन दिन देखे के कोनो उम्मीद ना रहल, आज दिन दमाद जी दिखा दिल। अरे गुरु तोरे आंखी में आंसू। कोनो बात नहीं, बेटी के खुशी देख के ना आंसू अपने आप आ गए। अच्छा अच्छा, ये बतावा कि अब ना ना अब। वाह गुरु वाह। एक और आउट। बस 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 अब एक और। अरे वाह छुपा रुस्तम निकलना तू तो। अरे एक दिन के खुशी में जब तुहार ई हाल हो, कहीं एक महीना रह गई है ना, तब तो हमके लगा था पूरा बोतले कटक जी बा तू। पूरा बोतल ना संध जी, पूरा ठेका पी जाए, पूरा ठेका। संध जी हाँ, एगो बात याद आ गई। बताई। वो कहे कि चंपा के ब्याह में हम बैंक से कुछ लोन लेने रहनी, जौन एक परसों किस्त देवे के आखिरी तारीख हो, अगर ना दिया तो उसारे कुड़की बुड़की निकरी है, समाज में बेइज्जती हो जाई। यही से हम सोचतानी कि चली ना आज हमने के गांव चलल जाओ। अरे का कहा तार, अभी मोहना के आए में दो तीन दिन लगी। अरे उसे मिल के तब जाए के है ना, तब ले हमनी के जूहू चौपाटी घूम ली हल जाई, मुम्बा देवी का दर्शन कर ली हल जाई, फिर मोहना से मिल के चलल जाई गाँव में। वो सब तो ठीक बा, लेकिन अगर हमार बेइज्जती हो जाई तरुआ के ठीक लागी। अरे क्या बात कर ताड़ा, अरे तोहरा खातिर हमार जान हाजिर बा, बेइज्जती हो जाई तोहा ठीक बा, मोहना से बाद में मिल लिया जाई, काल भोरे भोरे हमनी के वापस ले जी। ना ना भी ए जी। चंपा बैठा। हम ना। अरे बैठा ना बाबूजी। बाबूजी रहुआ चिंता मत करी, बाबूजी चल गई नी। चंपा हम तोरा पे इतना अत्याचार कहीं नहीं, बाकी तोरा तनी को फर्क ना पड़ल, हमरी वजह से तोरा बहुत जिल्ल सह के पड़े। हमसे बहुत बड़ भूल हो गई चंपा। ना जी ऐसन मत कहीं, आपसे कोनो गलती ना भइल, गलती तो हमरा से हो गई, हम आपकी जिंदगी में आ गई नी और आपकी जिंदगी नरक बना देनी। बस चंपा हमसे ये अब और बर्दाश्त नहीं किया होत, हम अभी जाके प्रिया के सब बता देता। ए जी ना ना ऐसन अनर्थ मत करी, देखी जैसे चलत बा वैसे चले दी, हमरा नसीब में शायद यही लिखल रहे, हम आपसे क्रिया खा के कहता नहीं, हम आपसे कबो कोनो शिकायत ना करब, बस ऐसे ही पूरा जिंदगी राव सेवा करत रहब, प्रिया दीदी से बहन लेखा प्यार और आपके आशीर्वाद से हमार जिंदगी कट जाए, आपके बाह में ना सही कम से कम आपकी आंखी के सोजाता मर पाई, और ऐसे बढ़ के कुछ ना चाहिए हमरा के सच। चंपा हम के माफ कर दे चंपा।
हमके माफ कर दे। चंपा! दीदी, बस चला ना। तेरा पति तुझे छोड़ के चला गया था? ना। कि तू अपने पति को छोड़ के भाग गई थी आप? बड़ी सीतापली फिरती है। मैंने तुझे अपनी बहन समझा और तूने मेरे सुहाग पे बुरी नजर डाली। ऐसा कुछ मत। आज के बाद मैं तुझे एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। चल, निकल यहाँ से। दीदी, निकल। दीदी, मैं तुझे तेरे पिछले में पति से मिलाने की कोशिश कर रही थी और तूने मुझसे मेरा ही पति छीन लिया। इसीलिए इतना पूजा पाठ करती थी कि दूसरे का पति छीन सके। बोल, दूसरे का धन उजाड़ सके। सोच रही हो सकती है? मैं इसको इस घर में एक पल भी नहीं रुकने दे सकती। चली जा यहाँ से। दीदी, प्रिया रुक जाओ। नहीं प्रिया, हम चंपा के पति हैं। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। हाँ, हम ही चंपा के भगोड़ा कमीना पति हैं। जान उतार कर स्टेशन पर छोड़ के आए लेनी। दीदी, आज आज पहला बेर हम आपकी आंख में आंसू देख ले बानी, जेकर कारण सिर्फ हम है। रवा रवा रोई जिन, हम ऐसा से चल जाए दीदी। दीदी, ऐसा कीमती सामान है उसको कोई उठा ही नहीं सकता है। क्या? और पति की लंबा उम्र खातिर मांग कब सुनाना रखेगी चाहिए? कहाँ जात पड़ो चंपा? आपकी जिंदगी के और नरक नहीं के बनावल चार। दीदी, 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 तू क्या कर लो? हाँ, क्या कर लो प्रिया? हमरा गुनाह की सजा अपने आप के देगी तो हमरा के और गुनाहगार बना दे लू। नहीं मोहन, बात गुनाह की नहीं, बात नसीब की है। प्यार तो हम दोनों ने तुमसे किया है, लेकिन नसीब ने इस चंपा को इस राम की सीता बना दिया है और मुझ प्रिया को इस मोहन की राधा। मोहन और राधा का प्यार तो अमर रहा, लेकिन उनका मिलन कभी नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे समाज में सिंदूर का बंटवारा नहीं होता है। इस सीता ने बहुत दुख सहे हैं, इसे मेरे हिस्से का भी प्यार दे देना। क्योंकि हमारे समाज में सिंदूर का बंटवारा नहीं होता है। मोहन, सिंदूर का बंटवारा नहीं होता है। मेरी कोई सगी बहन नहीं है,
लेकिन आज से तू मेरी बहन है। दीदी ऐसे मत बोली। आज हम अपन सेनूर के बंटवारा करता नहीं। हाँ ए जी, चली जल्दी से हॉस्पिटल लेके चली चली। वो गधा का बच्चा जब होना। अरे छगनवा, तू ही हालत में क्या भाई जी? हाँ हम बाबू में पसंद बने थे नहीं आता अब गांव में आके बंटे 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 फिकर थे नहीं उधर के मालिक हमारे पुछोड़ अपना मार के भगा दे। अरे तुहार कर्म है इतन हो सतूर ये कका हमार कर्म का मोना के कर्म सुन ले बना तब पैर के नीचे से जमीन सरक जाए और सर के ऊपर से आसमान फड़फड़ा फट जाए। मोहना के कर्म क्या गलत मोहनवा है? हाँ बता। अरे नरे बताइबे बता रहे थे बता मोना बता मोना क्या कर रहे हो बताओ जी। मोना बम्बई में था। मुंबई में क्या कर रहे हो? एक ब्याह और कर ले बा। एक गधा का बच्चा तो देख लेनी जाना। एक गधा की बच्चा का कहानी एकर मेहरारू तो सिंदूर का बंटवारा कर ले ली सा। लेकिन आप लोग ऐसा काम मत करब। कहें कि अगर आप लोग ऐसा काम करब तो का हाल होई ई देखी।